नमस्कार भाई और बहनों, आपका परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसलिए भाई और बहनों वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच से स्किप मत करिएगा। सबसे पहले देखते हैं यह वीडियो क्लिप। बेसिक मसला, 10,000 रुपए में कोई परिवार पाल सकता है, 7,000 रुपया में कोई परिवार पाल सकता है जिसमें उसको रोज स्कूल भी जाना है, 10-50 रुपए आने जाने में भी कुछ खर्च तो होगा, उड़के तो जाएगा नहीं। उसके बाद 2-3 बच्चे हो, मकान भी लेगा, रोटी भी खाएगा, हरी बीमारी भी होगी, कपड़ा लत्ता भी होगा, माता पिता हैं वृद्ध, उनकी देखरेख इलाज भी होगा, हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो ऐसे अर्थशास्त्री को भारतीय जनता पार्टी को तत्काल प्रभाव से देश के सामने पेश करना चाहिए और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ लोक भवन में। हम भी लोग सीखे कि भाई 7,000 में ये बजट है, हमने बना के दिखा दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, सब मौज लो। तो बताओ ना, अगर कोई जादू है तो उसको गुप्त क्यों रखें, सार्वजनिक कर दीजिए। ये लाखों बच्चे भी उदासी के सबब से बाहर आए। भाई और बहनों, आपने सुनी ये सारी बातें, ये हैं कंसल्टिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। यह बात किसके लिए कही गई है यह तो क्लियर नहीं है, पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इतने कम मानदेय में कार्य करती हैं, यह तो सबको दिख रहा है। ये क्लियर नहीं है कि ये किसके लिए कहा गया है, लेकिन 7,000 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को ही मिलता है, और 7,000 और 10,000 रुपए में घर गृहस्थी का चलाना कितना मुश्किल होता है, और घर गृहस्थी चलाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाना। आज के जमाने में पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है ये तो सभी लोग जानते हैं। हेल्थ की बात देखी जाए तो शायद ही कोई होगा बिना दवाई के चलता हो, किसी न किसी बहाने दवाई के खर्चे लगे ही रहते हैं। घर में बच्चे हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों की दवाई तो सामान्य सी हो गई है बात, कि बिना दवा के वो एक दिन भी नहीं चल पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपना और अपने परिवार का ख्याल कैसे रख पाएंगी, क्या करेंगी, ये सरकार की समझ में नहीं आ रहा है। चाहे सब कितना भी समझ लें, बार बार मुद्दा उठाया जाए, संसद में उठाया जाए मानदेय वृद्धि को लेकर के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की स्थायीकरण को लेके, लेकिन सरकार की समझ में नहीं आता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पास भी खर्चे होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी घर परिवार होता है, उन्हें भी जरूरत होती है अधिक पैसों की। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी मेहनत करती हैं, मेहनत के ही पैसे मांग रही हैं। एक मजदूर को एक दिन का 500 रुपया दिया जा सकता है, लेकिन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां होती हैं, जो अपने सर्वे क्षेत्र के सभी लाभार्थियों के पोषण और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनके सर पर होती है, और वो पूरी मेहनत और लगन के साथ करती भी हैं। लाभार्थियों के स्वास्थ्य की निगरानी करती हैं, सर्वे क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी करती हैं, पोषण संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा भी देती हैं, और 3 से 6 साल तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा भी देना इन्हीं का काम होता है। उनके लिए मानदेय वृद्धि करना सरकार के बस की बात नहीं रह गई है। भाई और बहनों, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि पोषण ट्रैकर पर 10 करोड़ लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ है। 10 करोड़ लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर फीडिंग की जा चुकी है। यह पोषण ट्रैकर का ही आंकड़ा है, जो पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां लाभार्थियों को फीड करती हैं। उनका आधार, मोबाइल वगैरह सब मिला के जो लाभार्थी फीड किए जाते हैं पोषण ट्रैकर पर, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती धात्री फीड किया गया है, उसी का आंकड़ा पोषण ट्रैकर शो कर रहा है कि यहाँ पर पोषण ट्रैकर पर 10 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण अब तक किया जा चुका है। जिन लाभार्थियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर उन्हें सरकार द्वारा लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस वीडियो की अगली जानकारी देखिए बहनों क्या है। मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी महासभा का प्रदर्शन,
छह वर्ष से भुगतान नहीं मिलने का आरोप। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से नहीं लिया जाए गैर विभागीय कार्य। जागरण संवाददाता अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 वर्ष से कार्यकर्तियों से कार्य कराए जा रहे हैं जिसका भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है। तो आंगनबाड़ी बहनों ने यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण यह है कि स्वास्थ्य विभाग में बहनों ने काम किया था जिसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है। यह तो आए दिन होता रहता है बहनों। स्वास्थ्य विभाग वाले तो काम करवा लेते हैं, अकाउंट नंबर भी बड़े शान से लेते हैं, पर पैसे तो कभी आते ही नहीं है। बस कहा जाता है पैसे मिलेंगे, आप लोग काम कीजिए, इस काम के पैसे मिलेंगे, और मिलता उलता कुछ नहीं है। इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर सहारनपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों ने आंदोलन किया था। अब देखते हैं इनके इस आंदोलन का क्या रिजल्ट आता है।